आप लोग देखिए, क्वेश्चन क्या है। अच्छा सवाल है और इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन का ठीक ठाक एप्लीकेशन है। सो दैट इन द मोशन ऑफ अ फ्लूड इनटू टू डायमेंशंस, अभी 3D में नहीं सोचना है, 2D में ही है। इफ द कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई ऑफ एन एलिमेंट एट एनी टाइम बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इनिशियल कोऑर्डिनेट्स ए कॉमा बी एंड द टाइम, द मोशन इज इरोटेशनल इफ डेल ऑफ एक्स डॉट कॉमा एक्स अपॉन डेल ए बी प्लस डेल ऑफ वाई डॉट कॉमा वाई अपॉन डेल ए बी इक्वल टू जीरो। तो जो पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई हमने कंसिडर किया है, उसके इनिशियल कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी है और टाइम तो बदलेगा ही, और किसी टाइम टी पर उसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, इतना मालूम है। ठीक है, तो इसमें इस टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। डेल एक्स डॉट ऑफ एक्स अपॉन डेल ए बी, एक्स डॉट क्या हुआ, एक्स डॉट का मतलब क्या हुआ, डी एक्स अपॉन डी टी, डॉट का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसको मैं यू भी लिख सकता हूँ, फिर ये वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा, और वाई डॉट का मतलब डी वाई अपॉन डी टी, उसको हम वी लिख सकते हैं, क्योंकि टू डायमेंशन में है। तो अब वेलोसिटी जो क्यू हो, अगर वेक्टर में लिखते हो तो उसको आई यू प्लस जे वी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको यह शुरू में पहले वेलोसिटी ले लीजिए, ये आगे। अब इस हिसाब से हमारा जो एक्सप्रेशन है, क्या मैं इसको यू कॉमा एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए बी, तो ऐसा लिख दूं, देखिए तो एक्स डॉट यस सर, यू लिख सकते हैं ना। अब आप इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, तो डेल यू अपॉन डेल ए, डेल यू अपॉन डेल बी, डेल एक्स अपॉन डेल ए, डेल एक्स अपॉन डेल बी। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां तक उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। क्या आ जाएगा, हेलो, क्या आ जाएगा भाई, डेल यू अपॉन डेल एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल एक्स अपॉन डेल बी माइनस डेल बी अपॉन डेल यू अपॉन डेल बी माइनस डेल एक्स अपॉन डेल ए। इनटू डेल एक्स अपॉन डेल ए, ये आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया, डेल ऑफ एक्स डॉट एक्स अपॉन डेल ए बी। आप चाहें तो इसे इक्वेशन वन कर लीजिए, मुझे लगता है ये जूम का बोर्ड नहीं है तो जूम इसको स्लो कर देता है, इसकी प्रोसेस थोड़ा। चलो अगली मीटिंग में जूम का व्हाइट बोर्ड ही यूज कर लेंगे। अब एक बात बताइए, यू जो है, थोड़ा यू पे बातचीत कर लेते हैं। यू बच्चों जो किसी टाइम पर वेलोसिटी होगी वो सिंस यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है ना।
यू वेलोसिटी कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगी कहाँ पर है, और एक्स एंड वाई आर फंक्शंस ऑफ ए एंड बी। एक्स एंड वाई किसी पार्टिकल के अभी के कोऑर्डिनेट है, ए कॉमा बी शुरू के थे, एंड एक्स एंड वाई आर फंक्शंस ऑफ ए एंड बी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो एक्स इज अ फंक्शन ऑफ ए कॉमा बी एंड वाई इज अ फंक्शन ऑफ ए कॉमा बी। तो अब इस पे देखिए कि यू एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहे हैं, और एक्स और वाई ए और बी पे डिपेंड कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली यू ए और बी पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर। तो अगर मुझे डेल यू अपॉन डेल ए चाहिए होगा तो मैं कैसे कैलकुलेट करूं? यही चाहिए था, यही इंपॉर्टेंट चीज थी, डेल यू अपॉन डेल ए। बोलो बेटा। डेल यू डेल अपॉन डेल एक्स, फिर डेल एक्स यू अपॉन डेल। अपॉन डेल एक्स इंटू, अब डेल एक्स का ए के रिस्पेक्ट में, ठीक, या फिर यू का वाई के रिस्पेक्ट में और वाई ए के रिस्पेक्ट में, हो सकता है या नहीं? यस सर। अच्छा, डेल यू अपॉन डेल बी से निकालें, सेम प्रोसेस है, यू का एक के बदले यूज करें। एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स्ट्रा बी के रिस्पेक्ट में, या फिर यू का वाई के रिस्पेक्ट में और वाई का बी के रिस्पेक्ट में। आपकी जो इक्वेशन वन है, जस्ट ऊपर है, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। हाँ, ये इक्वेशन वन में आपके पास डेल यू अपॉन डेल ए और डेल यू अपॉन डेल बी भी थे, उनकी वैल्यू आपने ये कैलकुलेट कर ली बच्चों। तो इन दोनों को उठा के इक्वेशन वन में रख देते हैं, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन ट्राई करते हैं, ठीक है? तो चलिए हम करते हैं, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन वन। वो लिखते रहिएगा, पुट इन दीज वैल्यूज इन इक्वेशन वन। तो आपके पास इक्वेशन वन में जो लेफ्ट हैंड साइड था, तो डेल ऑफ एक्स डॉट क्रोमा एक्स, डेल ऑफ ए बी, तो आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स दिया था आपने, डेल यू अपॉन डेल ओपन डेल ए। यू का ए के रिस्पेक्ट में था ना, मैंने यस चेक। सर। हाँ, ऊपर क्या था, डेल यू अपॉन डेल ए था। अच्छा, डेल यू अपॉन डेल ए की वैल्यू रखते नहीं, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल एक्स अपॉन डेल ए, या डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वाई अपॉन डेल ए। और साथ में क्या था, मल्टीप्लाई में? डेल एक्स अपॉन डेल बी। अच्छा हाँ, ठीक है, डेल एक्स अपॉन डेल बी माइनस डेल यू अपॉन डेल बी रहा होगा, तो डेल यू अपॉन यही डेल एक्स अपॉन डेल बी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई अपॉन डेल बी, ऐसे ही क्या आएगा बाहर से? अच्छा, डेल एक्स अपॉन डेल ए। ठीक हो गया। क्या कुछ कैंसिल होने का चांस हो रहा है क्या? चार में से डेल सर डेल यू अपॉन डेल वाई इनटू डेल वाई। सो
फर्स्ट वाली टर्म कैंसिल हो रही है, ऐसे एक्स स्क्वायर वाली, डेल स्क्वायर एक्स अपॉन ए ए वाली. ये वाली ना, डेल यस अपॉन डेल एक्स दोनों में है, डेल एक्स अपॉन डेल ए भी है, डेल एक्स अपॉन डेल बी भी है। बढ़िया। अब जो बाकी दो बची उनमें कॉमन क्या आ रहा है, कुछ है? डेल यू अपॉन डेल वाई कॉमन है सेट। यस सर. अगर मैं डेल यू अपॉन डेल वाई कॉमन ले लूं तो ये बचा डेल वाई अपॉन डेल ए, डेल एक्स अपॉन डेल बी माइनस डेल वाई अपॉन डेल बी, डेल एक्स अपॉन डेल ए। एक्स वाली टर्म पहले आती तो ज्यादा सही था, तो ऐसा चलो माइनस कॉमन ले लेता हूँ, क्या फर्क पड़ना है, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई कॉमन ले लेता तो क्या आ जाएगा बच्चों, पहले ये वाली ले लेता हूँ, डेल एक्स अपॉन डेल ए, डेल वाई अपॉन डेल बी माइनस डेल एक्स अपॉन डेल बी, डेल वाई अपॉन डेल ए। तो आपके पास, चलो एक बार डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेता हूँ, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई इज टू डिटरमिनेंट डेल एक्स अपॉन डेल ए, डेल एक्स अपॉन डेल बी, डेल वाई अपॉन डेल ए, डेल वाई अपॉन डेल बी। देखिए तो सही आ रहा है, तो यस माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई ये तो बाहर रहा है, बाकी जेकोबियन आपके पास डेल ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ ए बी, इसको आप दोबारा लिखिए क्वेश्चन नंबर टू कर लीजिए। तो आपने वैल्यू निकाल दी, तो डेल ऑफ एक्स डॉट एक्स और डेल ए बी ये वैल्यू थी आपकी, और आपने उसको लिखा माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई इनटू डेल ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल ऑफ ए बी, इक्वेशन नंबर टू। ये हो गया आपके पास, एक और करना है इसी तरह से, तो मैं उसको आप सीधे लिख दूं, आप लोग इसी प्रोसेस से करेंगे। तो सिमिलरली डेल ऑफ वाई डॉट वाई अपॉन डेल ए बी, हो सके तो कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा सिमिलर है नहीं एग्जैक्टली, यहाँ प्लस में आ जाएगा टर्म, मैं सीधे बुक से उठा के रख दे रहा हूँ, ये आ जाएगा डेल बी अपॉन डेल एक्स। तो माइनस नहीं आ रहा है ना इसमें, कुछ और ये प्लस में आ रहा है, फिर आप कह सकते हैं सिमिलर कैसे कहा आपने, डेल एक्स वाई अपॉन डेल ए बी, सेकेंड टर्म सेम है। क्वेश्चन थ्री, ठीक है, तो प्लीज अगर आप दोनों को जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा आपको, सो डेल ऑफ एक्स डॉट एक्स डेल ए बी, डेल ऑफ वाई डॉट वाई डेल ए बी इक्वल टू, आप दोनों में कॉमन देखिए टर्म्स, डेल बी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई,
और साथ में डेल एक्स वाई अपॉन डेल ए बी, इक्वेशन नंबर 4 आपके पास है। यहां तक क्लियर है? कैलकुलेशन है। यस सर। अब आप दोबारा क्वेश्चन पे आइए। सवाल में क्या आपको लिखा था जरा गौर करिए। अगर मोशन इरोटेशनल है तो इक्वेशन 4 का राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए। अगर इरोटेशनल है तो कर्ल 0 होना चाहिए, वेलोसिटी यस सर। तो कर्ल क्यू जितना होगा। अब इस बात पे थोड़ा सा मैं साइड में लिख देता हूँ। कर्ल क्यू आप नीचे नोट्स में डालिएगा। तो डिटरमिनेंट क्योंकि टू डायमेंशन का है तो आई जे जे आप लिख रहे हैं ऊपर, नीचे लिख रहे हैं डेल वाई डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, यू वी और जीरो। तो देखिए तो क्या आएगा, आई टाइम्स करेंगे तो 0 आ जाएगा, जे टाइम्स भी 0 आ जाएगा, और के टाइम्स क्या आएगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। बच्चों इतना सबको बाकियों को भी समझ में आ ही रहा होगा। सर आई टाइम्स में माइनस वी डेल अपॉन डेल जेड आएगा। लेकिन जेड के रिस्पेक्ट में टू डायमेंशनल है वैसे ही 0 कर देंगे। सही कह रहे हो, थर्ड डायमेंशन है नहीं ना। यस सर। तो चलो इतना बचेगा। अब कर्ल चूंकि मोशन इरोटेशनल है तो कर्ल 0 होगा, तो के तो यूनिट वेक्टर है उस तो मतलब नहीं हुआ 0 होने का, तो ब्रैकेट के अंदर ही टर्म 0 हो जाएगी। उस टर्म 0 को अगर आप फोर्थ में रख दें तो अगर मोशन रोटेशनल है तो ये चीज 0 हो गई ना बेटा, ये डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। तो यस सर। प्रूफ हो गया, बस ये प्रूफ करना था कि टू डायमेंशनल फ्लो है और ये मोशन इरोटेशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड जो है उसकी वैल्यू 0 आती है, हमने ये दिखाया। तो इसमें थोड़ा पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करते हुए थोड़ा अलग किस्म का सवाल था, बेसिक कैलकुलस आपको चाहिए। हो गया क्वेश्चन, समझ में आया या नहीं आया? आगे सर। अच्छा चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और कराते हैं। क्वेश्चन लिखिए प्लीज। सो दैट ऑल नेसेसरी कंडीशंस, सो दैट ऑल नेसेसरी कंडीशंस कैन बी सेटिस्फाइड बाई अ वेलोसिटी पोटेंशियल बाई अ वेलोसिटी पोटेंशियल ऑफ द फॉर्म फाइव इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर
प्लस बीटा वाई स्क्वायर प्लस गामा जेड स्क्वायर एंड अ बाउंडिंग सरफेस ऑफ द फॉर्म एंड अ बाउंडिंग सरफेस ऑफ द फॉर्म कैपिटल एफ इक्वल टू अल्फा एक्स टू द पावर फोर सॉरी ए प्लस बी वाई टू द पावर फोर प्लस सी जेड टू द पावर फोर माइनस एक फंक्शन है उनने तो उत्पाटन सिंबल लिया है मैं पाई टी इक्वल टू जीरो ऐसी कोई बाउंडिंग सरफेस है और यहाँ पर एबीसी अल्फा बीटा गामा और ये फाइ क्या है बताना पड़ेगा वेयर फाइ टी इज अ गिवन फंक्शन ऑफ टाइम इज अ गिवन फंक्शन ऑफ टाइम फंक्शन ऑफ टाइम एंड अल्फा बीटा गामा ए बी सी आर सुटेबल फंक्शंस ऑफ टाइम ए बी सी आर सुटेबल फंक्शंस ऑफ टाइम तो क्या कह रहे हैं थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ऑल नेसेसरी कंडीशंस कैन बी सेटिस्फाइड बाय वेलोसिटी पोटेंशियल ऑफ द फॉर्म दिस एंड बाउंडिंग सरफेस ऑफ द फॉर्म दिस दो चीजें दे रखी हैं एक तो वेलोसिटी पोटेंशियल और एक बाउंडिंग सरफेस अगर ये इस तरह के हों तो आपको जो भी रिक्वायर्ड जरूरी शर्तें जो जो चीजें चाहिए थी वो सब सेटिस्फाई हो जाएंगी कह रहे हैं ऐसा ही। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जरूरी मतलब क्या सेटिस्फाई करना हुआ भाई इक्वेशन सर इक्वेशन ऑफ ऑफ कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी हाँ जी बस अभी हमने पढ़ा ही वही है हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों उसका नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन तो अगर कोई पूछे जी पहले तो पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी उसके बाद ही मोशन के बारे में बात हो सकती है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास दो तरह की कंडीशंस आ जाएंगी हमें इक्वेशन ऑफ मोशन पे भी बात करनी पड़ेगी और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की भी कई सवालों में जरूरत पड़ेगी लेकिन अभी केवल कंटिन्यूटी बस मतलब कंटिन्यूटी की कंडीशन सेटिस्फाई हमेशा हो जाएगी अगर एफ इस टाइप का दिया हो और एल फाई इस तरह कर दिया हो जहां फाई कोई टाइम का गिवन फंक्शन होगा तो वो गिवन होगा तो मतलब आप समझ रहे हो कॉन्स्टेंट जैसा कोई फंक्शन फिक्स होगा मतलब कॉन्स्टेंट शब्द उचित नहीं है और लेकिन अल्फा बीटा गामा ए बी सी सुटेबल फंक्शंस ऑफ टाइम पता नहीं कैसे हूं। चलिए काफी अच्छा सवाल है और लैंग्वेज ऐसी है कि लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं तो इसको और जबकि ये है नहीं टफ ऐसा जब हमें ये पता लग गया कि हमें क्या जरूरत है तो जिंदगी में चीजें आसान हो जाती हैं उसके बाद बस मालूम होना चाहिए। तो बाउंडिंग सरफेस से शुरू करते हैं कंडीशंस ऑफ बाउंडिंग सरफेसेस कंडीशन ऑफ बाउंडिंग सरफेस इज याद है किसी को डेल एफ अपॉन डेल टी प्लस यू डेल एफ अपॉन डेल एक्स अरे भाई पढ़ा तो होगा ऐसा यस सर यस सर यू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू जीरो ठीक है।
तो डेल एफ अपॉन डेल टी कितना होगा? मैं सीधे रख दू ना, इतनी बार रख रहा हूँ। चाहे डेल एफ अपॉन डेल सर टी माइनस का 5 डैश टी, माइनस का 5 डैश टी। अच्छा कितना ही आएगा? सर एबीसी भी तो फंक्शन ऑफ टाइम है, तो वेरी गुड, बढ़िया। ए डॉट मतलब ए का टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, डीए बाई डी टी हो रहा हो केवल, क्योंकि एक ही चीज का फंक्शन है तो पार्शियल की जरूरत नहीं है उसमें। उसको ए डॉट कह लीजिए, ए डॉट एक्स टू द पावर 4 प्लस बी डॉट वाई टू द पावर 4 प्लस सी डॉट जेड टू द पावर 4 और -5 डैश टी। अब ठीक है। आगे प्लस अब यू भी तो निकालना पड़ेगा। यू का मतलब अरे यार, यू मतलब माइनस डेल फाइव बाई डेल एक्स हुआ या नहीं? यस सर। तो माइनस डेल फाइव बाई डेल एक्स कितना हो? टू अल्फा एक्स मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, क्योंकि यू इतना आ रही, माइनस आएगा और डेल फाइव बाई डेल एक्स होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, 2 अल्फा एक्स। और डेल एफ अपॉन डेल एक्स 4ax³। 4a x³। ठीक है, ऐसे ही फिर आप लोग अपने नोट्स में साइड में यू वी मतलब माइनस डेल फाई बाई डेल वाई ऐसे ही आना है, माइनस 2 बीटा वाई और डेल एफ अपॉन डेल वाई। डेल वाई तो 4b y³, 4b y³ ऐसे ही डब्ल्यू टी जो -2 γ z और डेल एफ अपॉन डेल जेड आपके पास आ जाएगा 4c z³ इक्वल टू 0। एक्स टू द पावर 4 कॉमन आ सकता है क्या? एक्स टू द पावर 4 दो जगह आ रहा होगा बच्चों, यहां भी आ रहा होगा। यस सर। तो क्या आ जाएगा देखिए तो। ax⁴ कॉमन आ जाएगा, नहीं, ए ए डैश आ नहीं होगा जाएगा। यार, वहां ए डॉट है ना, पहली टर्म में ए डॉट है बेटा। यस सर। ए डॉट माइनस 8 a अल्फा एक्स टू द पावर 4 प्लस ऐसे ही बी डॉट माइनस 8 b बीटा वाई टू द पावर 4 प्लस ऐसे ही सी डॉट माइनस 8 c γ जेड टू द पावर 4 सिमेट्रिक है, -5 डैश 3 इक्वल टू 0। आपके हिसाब से बाउंडिंग सरफेस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे ना? कंडीशन ऑफ बाउंड्री सरफेस ऐसी होनी चाहिए मतलब, लेकिन बाउंड्री सरफेस है कैसी वो आपको दिया हुआ है, तो आप यहां पर लिखिएगा द कंडीशन इज सेटिस्फाइड
इज सेटिस्फाइड इफ दिस इक्वेशन इज आइडेंटिकल विद कौन आपके चौथी बाउंडेड सरफेस F इक्वल्स टू टू a एट इनटू x टू द की पावर पावर फोर सी जेड टू द पावर फोर माइनस फाइव टी इक्वल टू जीरो। तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, दोनों को कंपेयर करेंगे क्या मिलेगा आपको। इक्वल्स टू a ए डॉट डॉट माइनस नहीं इक्वल नहीं रेशियो ए डॉट माइनस एट ए अल्फा अपॉन ए, ठीक है, इक्वल टू बी E डॉट डॉट माइनस माइनस एट बी बीटा अपॉन बी इक्वल टू सी डॉट माइनस एट सी गामा अपॉन सी, और लास्ट में फाइव डैश टी अपॉन फाइव टी। बोर्ड कुछ ज्यादा ही स्लो हो गया मेरे ख्याल से, सी वाली कंडीशन अभी तक नहीं आई। तो लास्ट में आप फाइव डैश टी अपॉन फाइव टी लिख लीजिए, ठीक है। इक्वेशन नंबर थ्री कर दीजिए प्लीज इसको, फाइव डैश टी अपॉन फाइव टी। तो अब आप पहले और चौथे टर्म को ले रहे हैं, पहले टर्म फाइव क्या आ जाएगा यहाँ ए डॉट अपॉन ए माइनस एट अल्फा इक्वल टू फाइव डैश टी अपॉन फाइव टी। टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए क्योंकि ए भी टी का ही फंक्शन है, तो ऑन इंटीग्रेशन ये क्या आ जाएगा लॉग ऑफ ए माइनस एट बाहर अल्फा डी टी ठीक है, बल्कि उसे उधर ले जा सकते हैं लॉग ए इक्वल टू एट अल्फा डी टी प्लस लॉग ऑफ फाइव टी ये आ जाएगा। तो सिमिलरली लॉग बी क्या हो जाएगा, एट और लॉर्ड सी भी आ जाएगा, तीनों आप कर सकते हैं, ये तो सिमिलर हो गई। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मैं इसे रखने की कोशिश करिएगा, तो आपको क्या दिया हुआ है, आप इसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मैं कोई कंप्रेसिबिलिटी पे बात हुई नहीं है, तो आप डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू जीरो। बच्चों इसमें रखने की कोशिश कीजिए, टाइम कम है, ये मीटिंग एंड होने वाली है, तो ये केवल मैं बुक से लिख दे रहा हूँ, इतना आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एडेड जीरो आ रहा है, तो ये कंडीशन है, तो हो जाएगा वो। आप इसमें सर रखेंगे इसमें रो वाली टर्म नहीं आएगी।